हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। साबूदाना वड़ा बनाते समय अगर आपके साबूदाना वड़ा तलते समय फट जाते हैं या फिर तेल ज़्यादा सोख लेते हैं या फिर बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये वड़े फटेंगे नहीं, ना ही तलते समय तेल सोखेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल साबूदाना वड़ा कुछ टिप्स के साथ हम घर पर बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले बात आती है साबूदाना भिगोने की, तो हम लेंगे 1 कप साबूदाना। साबूदाने में पानी डालेंगे और मसलते हुए इसे 2 बार अच्छे से धो लेंगे। दो बार साबूदाने को हमने धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि धोते समय भी थोड़ा पानी साबूदाना सोख कर लेता है। अब हम इसे ओवरनाइट सोख होने देंगे। रात में भिगोकर छोड़ देने से आप दिन में कभी भी इस साबूदाने को आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट साबूदाने को हमने छोड़ दिया था और साबूदाना अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल खिला खिला एक एक साबूदाना आप इसमें अलग अलग देख सकते हैं। अब हम इसे अलग रखेंगे। अब बात आती है आलू को उबालने की। आलू को उबालते समय भी हमें ध्यान रखना है, आलू को हमें काट कर नहीं उबालना है, बिना कटे इस प्रकार से आलू को उबालकर तैयार करना है। आलू को काट कर उबालने से आलू में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और साबूदाना वड़े का मिश्रण ज़्यादा गीला और चिपचिपा हो जाता है। आलू को हमने पहले से ही उबाल कर रखा था। आलू को उबालने के बाद, ठंडा होने के बाद, आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। आलू हमें सारे नहीं लेना है। जिस कप से हमने साबूदाने को नापा था उसी कप से हम 1 कप ग्रेटेड आलू लेंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप भुनी हुई मूँगफली। मूँगफली का छिलका हमने निकाल कर लिया है। मूँगफली को हम दरदरा पीस लेंगे। अब हम साबूदाने को मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। जिस कप से हमने साबूदाने को भिगोया था उसी कप से ये फूलकर 2 कप हो गए हैं। तो 2 कप साबूदाने के लिए हम 1 कप ग्रेटेड उबला हुआ आलू लेंगे। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम आलू और साबूदाने को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि ये दोनों डो के रूप में इकट्ठा नहीं हो जाते। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। साबूदाने और आलू को आपने सही से तैयार करके लिया है तो ये मिश्रण बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और वड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। साबूदाने और आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली का दरदरा पिसा हुआ पाउडर। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि वड़े का मिश्रण हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, मतलब वड़े का मिश्रण बिल्कुल सही बना है। अब हम वड़े बनाएंगे। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसे अच्छे से दबाते हुए गोल शेप देंगे। हम बिल्कुल मार्केट के जैसे ही वड़े बनाएंगे, तो गोल शेप करने के बाद हल्का सा हाथों से दबाते हुए इसे चपटा कर लेंगे और साइड के कॉर्नर्स को थोड़ा सा सही कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो इसी प्रकार से हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से अगर आप वड़े बनाएंगे तो वड़े आपके कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। सारे वड़े एक साथ बनाने के बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो सारे वड़े हमने बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। वड़ों को फ्राई करने के लिए तेल को हमें पहले अच्छे से गर्म करना है। एक बार तेल के गर्म होने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम वड़े को फ्राई करेंगे। एक बार में इतने ही वड़े डालेंगे कि आसानी से फ्राई हो सके। वड़े को डालने के बाद कुछ देर तक हमें इसे पलटना नहीं है, जब तक कि झाग थोड़े कम नहीं होते। थोड़ी देर बाद वड़े को हम पलटेंगे। वड़े को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा ठंडा हो गया है तो आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई भी कर सकते हैं। हमें वड़े को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और वड़े को हमें ज़्यादा उलट पुलट करते हुए नहीं फ्राई करना है।
कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि वड़े पर दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर दिख रहा है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें वड़े को फ्राई नहीं करना है और इसी प्रकार से बाकी के वड़े को फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद भी अगर आप ज़्यादा देर तक वड़े को तेल में फ्राई करते हैं तो वड़े फूट जाते हैं और तेल सोख लेते हैं, तो हमें इससे ज़्यादा वड़े को फ्राई नहीं करना है। तो सारे वड़े को हमने फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि एक भी वड़ा फूटा नहीं है, ना ही वड़ों ने तेल सोखा है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप इन वड़े की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।